खजाने लिए। शबे आशूर की रात है, मोचे दरवाजा में मौजूद हूँ खजाने लिए पर सुनने के लिए और अपने तबस्सुम से आप सबको भी सुनाने के लिए। इस वक्त मैं मस्जिद नवाब साहब जो है उसके बाहर वाली जो गली है वहाँ पर मौजूद हो गया आप सबके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अंदर स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा बहुत लाउड है अजाने लिए। ऊपर है शबे आशूर है, शबे आशूर 2024 है, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा आपको पता है कि अंदर स्पीकर्स वगैरह है, तो इस वजह से हम लोग बाहर आके स्पेशल ब्रीफिंग देने आए ताकि आप सबके साथ शबे आशूर का जलूस जो है वो भी आप सबको दिखा सके और सुबह आशूर का जो जलूस बरामद होगा वो भी आपको दिखा सके। आए बिस्मिल्लाह आपको आगे की जानब लेकर चलते हैं। अभी कुछ ही देर में मस्जिदें वगैरह चल रहे हैं और अभी कुछ ही देर में अजानियाँ अकबर जो है वो दे भी जाएगी। अकबर भाई ने मेरे लिए अजानियाँ अकबर भी रिकॉर्ड कर ली है और साथ ही साथ जो शबे आशूर का जलूस नसार हवेली से बरामद हुआ था वो भी रिकॉर्ड है इंशाल्लाह। इसके बाद आपको उसके क्लिप भी मिल जाएंगे। नसार हवेली में जो मस्जिदें पड़े गए थे उसके भी क्लिप जो अकबर भाई ने लेकर रख लिए हैं। आप इस ब्रीफिंग के बाद शबे आशूर का जलूस साथ ही साथ में जो नसार हवेली में मस्जिदें वगैरह पड़े गए हैं वो सब भी और अजादारों का रश और गुजूम भी नहीं गया। कई हाल जो ब्लॉग आपके पास अपलोड होगा शबे आशूर का होगा, शबे आशूर का जो है वो दोबारा आपको एक और पार्ट टू में। ये शबे आशूर को नसार हवेली के मनाज़िर हैं जो कि अकबर भाई ने ख़ास आप सबके लिए रिकॉर्ड किए हैं। Thank you.
ना इसलिए रश हुआ है, गेट खोल है। नीचे उधर फंस जाते Oh,
दर्शगाह से ना जिसकी कोई मिसाल है, ना जिसकी कोई नजीर है, वो बेमिसाल शहनशाह हुसैन है। अजान भी सुने, जनाबे अकबर की अजान
जहाज जो अजान अली अकबर जहाज की सूरत सलाम अल्लाह को एक पैगाम देने के लिए अजान दिलवाई गई थी उसको सुनिए। अशहद 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहद मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहद अमीर المؤمنين و إمام المتقين علي अशहद अमीर المؤمنين व इमाम المتقين علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله
बिस्मिल्लाह। अजान अली अकबर जो है कश्मीरिया मस्जिद से अदा हो चुकी है। कुछ ही देर में सुबह आशूर का जुलूस जो है वो बरामद हो जाएगा। कि जो 9-10 मुहर्रम का जो ब्लॉग आएगा वो आपको दो पार्ट्स मिलेगा। अभी का जो है हम यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। 9 मुहर्रम का दिन था, अजान अली अकबर हो गई है, फजर की अजान अदा कर चुके हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कुछ ही देर बाद शहादतों के सिलसिले जारी हो जाएंगे। ना अकबर रहेंगे, ना कासिम, ना अब्बास रहेंगे, ना ओनो मोहम्मद, ना हुर जैसा दोस्त, ना हबीब इब्ने मुजाहिद जैसा दोस्त, ना कोई नसरानी दोस्त, कोई भी नहीं बचेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह जाएंगे। आखिर पर उनकी नुसरत करने के लिए शहजादे अली असगर तशरीफ लाएंगे, पर अफसोस के वो भी नहीं, हुसैन अलैहिस्सलाम तन तनहा रह जाएंगे करबला के मैदान में, दुश्मनों के घेर में। जब दुश्मनों को जेर करने के वक्त शहादत असर के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करीब आएगा, खुदा की आवाज आएगी कि हुसैन तुम नफ्से मुतमईना हो, मैं तुम पर मुतमईन हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी सजदा अदा करेंगे, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी शहादत जो है हो जाएगी, और शहादत के बाद शाम गरीबा जो है वो भरपा हो जाएगी। 10 मुहर्रम की रात की जो अब्बास है वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। यहाँ पर आपको मेरे इस ब्लॉग में अजान अली अकबर और नसार हवेली से मरसी जो है वो सुनने के लिए मिले। अब जो अगला ब्लॉग है सुबह आशूर का, इंशाल्लाह वो मैं कवर करूंगी और आपको सुबह आशूर की 10 मुहर्रम की जो ज्यारत है वो भी करवाई जाएगी। हमें मुझे इजाजत दीजिए, लब्बैक या हुसैन या निसारतुल हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास। जो सुबह आशूर की ज्यारत है वो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगी। बिस्मिल्लाह।